सहारे की लाठी बन गया। और अब बात कड़ाके की ठंड की, जिसने दिल्ली में 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड में यह महीना सबसे सर्द दिसंबर के रूप में दर्ज होने वाला है। शुक्रवार को दिल्ली का तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस था, जो सीजन का सबसे कम तापमान है। पहाड़ों पर बर्फबारी और राजस्थान में बर्फीली हवाओं की मार झेलती दिल्ली में नए साल पर बारिश भी हो सकती है। दिल्ली में सर्दी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पहाड़ों पर बर्फीले मौसम से दिल्ली पर टूटा शीतलहर का कहर। कोहरे में छिपा सूरज, थम गई दिल्ली की रफ्तार। ठंड का मतलब दिल्ली की सर्दी ही क्यों है, इसका एहसास लोगों को शुक्रवार को हुआ। राजधानी दिल्ली में शीतलहर तो एक हफ्ते से चल रही थी, लेकिन शुक्रवार को कोहरे में 800 मीटर आगे कुछ भी देख पाना संभव नहीं था। दिल्ली का तापमान भी लुढ़क कर 5 डिग्री से नीचे चला गया। यह इस साल की सबसे सर्द सुबह थी। सुबह 8:30 बजे की टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने 4.2 जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली का, वो रिकॉर्ड किया है। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 13 डिग्री के आसपास है। और जो विजिबिलिटी है वो 600 मीटर की, आप देखिए यहाँ से इंडिया गेट आपको दिखेगा हमारे कैमरे पर, लेकिन थोड़ा धुंधला दिखेगा। दिल्ली की सर्दी महसूस करने इंडिया गेट पहुंचे सैलानियों का सामना दोहरी मुसीबत से हुआ। एक तो रिकॉर्ड तोड़ ठंड थी और दूसरी ओर दिल्ली में हवा की गुणवत्ता भी खराब हो चुकी थी। एंजॉय कर रहे हैं ठंड तो फिलहाल बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा ही। घर से कम निकलते हैं क्योंकि जब बीच में तो बहुत सिचुएशन खराब होगी दिल्ली की, तब हमें निकलना घर से थोड़ा कम कर दिया था। दिल्ली में शीतलहर का हाल देखकर मौसम विभाग भी हैरान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर के महीने में दिल्ली में 1901 के बाद सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। 1 दिसंबर से 26 दिसंबर तक दिल्ली का औसत तापमान इस साल 19.85 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि 31 दिसंबर तक इस महीने का औसत तापमान 19.15 डिग्री हो सकता है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड में 1901 से सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है जब दिसंबर के महीने में दिल्ली का औसत तापमान 20 डिग्री से कम रहा। दिल्ली में सर्दी का सितम लोगों के नए साल के जश्न पर भी पानी फेर सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 24 घंटे के लिए शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 30 दिसंबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 31 दिसंबर से दिल्ली की सर्दी में बारिश का हमला होने की आशंका भी जताई जा रही है। कल और परसों की तुलना में स्थिति विजिबिलिटी को लेकर बेहतर जरूर हुई है, लेकिन अगर मौसम की बात की जाए तो आने वाले दिनों में भी जो मौसम है वो उसी तरीके से ठंडा रहने वाला है। दरअसल दिल्ली का अपना कोई मौसम है ही नहीं। यहाँ का मौसम राजस्थान और पहाड़ों के मौसम के हिसाब से अपना मिजाज बदलता है। इन दिनों राजस्थान के कई इलाकों में हिमयुग जैसा हाल हो गया है, जहाँ शून्य से नीचे तापमान में ओस की बूंदे तक बर्फ में बदल गई। वहीं जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर चल रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तो बर्फ से ढके पहाड़ों पर बर्फीला तूफान भी शुरू हो गया है। वहीं श्रीनगर में गुरुवार की रात तापमान शून्य से भी 5.6 डिग्री नीचे चला गया।
श्रीनगर में झीलों का ठहरा पानी तो कप का जमकर बर्फ बन चुका है, अब यहाँ नदियों का बहता पानी भी जम चुका है। अगर हम कल रात की बात करें तो कल रात यहाँ पे जो सीज़न की सबसे कोल्डेस्ट नाइट यहाँ पे दर्ज की गई है। अगर हम टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो टेम्परेचर -5.6 यहाँ पे कल रात को रहा। पहलगाम के हवाले से अगर बात करें तो पहलगाम में -12.00 टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस माइनस टेम्परेचर के चलते अगर हम बात करें तो डल का जो अंदरूनी हिस्सा है वो पूरी तरह से, जो पानी की सतह है वहाँ पर पूरी तरह से जम गई है। श्रीनगर के साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख इलाके में बर्फबारी और गिरते पारे ने जिंदगी दुश्वार कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान -9.5 डिग्री था, वहीं कोकरनाग में न्यूनतम तापमान -7 डिग्री, पहलगाम में न्यूनतम तापमान -12 डिग्री, काजीकुंड में -11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा ठंड लद्दाख के लेह में थी, जहाँ न्यूनतम तापमान 0 से भी 20 डिग्री नीचे चला गया। नए साल पर वैष्णो देवी दर्शन करने वाले भी ठंड से ठिठुर गए, क्योंकि कटरा में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री पहुंच गया है। खराब मौसम, भारी बर्फबारी और भयानक ठंड की वजह से जम्मू से श्रीनगर जाने वाले नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से घिरा पंजाब भी सर्दी की बेदर्दी का शिकार है। अमृतसर में अधिकतम तापमान 8.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहां कोहरे की वजह से ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि कब दिन निकला और कब शाम ढली। रेहड़ी पटरी चलाने वालों का पूरा दिन अलाव जलाकर हाथ सेकते ही बीत रहा है। 15-20 दिन हो गए ना सूरज देवता निकलते हुए, हर पासे बुरा हाल है जी काम कार का। ठंड का बहुत माड़ा हाल है जी, सारे देखो जो सवेरे 5 बजे मंडी आए सारे अग सेक रहे हैं। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 30 दिसंबर के बाद वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि 31 दिसंबर तक बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट थमेगी, थोड़ा कोहरा भी छटेगा, लेकिन उसके बाद